अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक बार फिर हम आ जाए क्लास 11th के लिए। क्लास 11th में आज हम थर्ड यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। हमारी यूनिट का नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। टॉपिक का नाम है इंफॉर्मेशन एंड चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। उसमें आज हमारा टॉपिक जो है, और टॉपिक इज बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस में क्या क्या आता है? सबसे पहले उसमें आता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। टू सॉफ्टवेयर्स, दैट इज हार्डवेयर एंड सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम जानेंगे हार्डवेयर क्या होता है, किसको कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ टू मेन पार्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर सिस्टम जो है कंसिस्ट्स ऑफ टू मेन पार्ट्स, दो चीजों का बना होता है। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर, हार्डवेयर एंड सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर। दो चीजों, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो अब हम बात करेंगे यहां पे हार्डवेयर क्या होता है एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखो, सिंपल सी बात है, द फिजिकल पार्ट दैट वी कैन सी एंड टच, द फिजिकल पार्ट दैट वी कैन सी एंड टच, वो चीजें, वो फिजिकल पार्ट जो हमारे सामने दिख रहे होंगे, और उनको हम क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तुम फिजिकल पावर कंप्यूटर के, जिनको हम देख भी सकते हैं, यूमिस हैको वुछिते बेहको तुम टच दिख रहे हैं, तुमन छवाना तुमन पार्टन क्या छवाना, दैट इज कॉल्ड फिजिकल पार्ट दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। हार्ड मीन्स गई फिजिकल पार्ट के मिक कंप्यूटर के, यो मनिस टच ते हको कर, यो मनिस उच्च ते हको, तमन छ माने हार्डवेयर। इट इज अ मशीनरी ऑफ कंप्यूटर दैट आर, ये हार्डवेयर क्या चा से अच्छा हम चा, इट्स अ मशीनरी, मशीनरी लाइक उसमें क्या आता है, मशीनरी ऑफ अ कंप्यूटर उसमें आता है कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड अगर आप देखोगे वो हम देख भी सकते हैं, उसको हम टच भी कर सकते हैं, या अगर बात करेंगे मॉनिटर की, मॉनिटर को भी हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, या सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, उनको भी हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, सॉरी उनको बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर गई तुम चीज, तुम पार्ट्स कंप्यूटर की, ये मन टच था को करे तो उस चीज को तुम जो है हार्डवेयर। देयर इज, उसके बाद ये हो गया किसके बारे में, ये हो गया कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर एम पांच सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर समझ में आ गया, कंप्यूटर तुम पार्ट, ये मैंने टचते हैं कुछ पूछते हैं कुछ आदमी चाहो, जैसे कि उसमें आता है माउस आता है, कीबोर्ड आता है, मॉनिटर आता है, सीपीयू आता है उसमें। देयर इज अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज सॉफ्टवेयर, वो हो गया हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर की बात आ रही है, देयर इज अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज सॉफ्टवेयर, दो वी कैन नॉट सी इट, मतलब अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट सॉफ्टवेयर, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, कंप्यूटर का, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिनको हम देख नहीं सकते, उनको हम देख नहीं सकते हैं या टच नहीं कर सकते हैं,
उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर. अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट सॉफ्टवेयर दो वी कैन नॉट सी इट, जिनको हम नहीं देख सकते हैं, तमन छिवाना ताचवाना सॉफ्टवेयर. इट सॉफ्टवेयर क्या करता है, इट मेक्स द हार्डवेयर वर्क द वे वी वॉन्ट. सॉफ्टवेयर जो होता है ये क्या करता है, इट मेक्स द हार्डवेयर वर्क, ये काम करता है, मतलब इट मेक्स द हार्डवेयर वर्क द वे वी वॉन्ट, जिस तरीके से हम काम करना चाहते हैं उस तरीके से ये हमें वहां से आउटपुट देता है. मतलब इट मेक्स द हार्डवेयर, ये बनाता है हार्डवेयर को काम करने के लायक जिस तरह से हम चाहते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर. या द मॉनिटर इज फिजिकल डिवाइस, फिजिकल डिवाइस और द हार्डवेयर. जो मॉनिटर होता है कंप्यूटर में वो क्या है, वो भी एक फिजिकल डिवाइस है. फिजिकल डिवाइस में वो किस में आता है, हार्डवेयर में आता है. द मॉनिटर इज अ फिजिकल डिवाइस और द हार्डवेयर, या हम हार्डवेयर भी उसको बोल सकते हैं. कौन सा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर नहीं, इसको बोलते हैं हार्डवेयर. व्हेन वी स्टार्ट अ प्रोग्राम, जब भी हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, द मॉनिटर इज अ फिजिकल डिवाइस. व्हेन वी स्टार्ट अ प्रोग्राम, एग्जाम्पल लिस्ट प्रोग्राम स्टार्ट करो, अ गेम, अगर हम कोई गेम खेलेंगे किस पे, कंप्यूटर पे, वो क्या होता है, वो डिस्प्ले हो जाती है किस पे, मॉनिटर पे. आपके डिस्प्ले, आपकी गेम जो है डिस्प्ले होती है मॉनिटर पे. दिस इज डन बाय द सॉफ्टवेयर. वो डिस्प्ले शो करना किसका काम है, सॉफ्टवेयर का काम है. डिस्प्ले पे शो करना गेम किसका है काम है, सॉफ्टवेयर. विच डिस्प्ले, या कभी हम टेक्स्ट वहां पे हम अगर हम कुछ मतलब टाइप करेंगे, जैसे कि क्या कहते हैं, हम टेक्स्ट टेक्स्ट हम टाइप करते हैं, वो किस पे शो होता है, मॉनिटर पे. या इमेज होते हैं या वीडियोस आने मॉनिटर पे, भी मॉनिटर पे हम शो करते हैं. तो दोनों चीजें जो है आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन है. किस चीज की कोऑर्डिनेशन है, हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की. हार्डवेयर से हम इनपुट्स देते हैं, जैसे कि हार्डवेयर में आता है कीबोर्ड, वो हार्डवेयर में. फिर हम इनपुट देते हैं किसको, कंप्यूटर को. फिर वो उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग का काम किसका है, ऑपरेट करता है. वो किसका काम है, सॉफ्टवेयर का काम है. वो हम नहीं देखते हैं वो कैसे प्रोसेस करता है. फिर उसके बाद वो किस पे डिस्प्ले होता है, मॉनिटर पे. ये हो गया. ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन एनी कंप्यूटर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर हम देखेंगे किसी भी कंप्यूटर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, वारियर इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इन एनी कंप्यूटर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. तथा क्या माने ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म है OS. अगर आपको एग्जाम में कल आएगा OS फुल फॉर्म उसकी बता दिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम. This is a software, operating system जो है ये भी एक software that starts. ये क्या है, उसका काम क्या है, start करता है working, काम को start कराना. किसका, operating system को, as soon as we switch the computer. जैसे ही हम switch on करते हैं computer का, उसके बाद तुरंत किसका काम शुरू हो जाता है, OS मतलब operating system का. This is software that starts working as soon as स्विच ऑन है. जैसे हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं उसके बाद उसका काम होता है स्टार्ट, किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का. ऑल द कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मतलब जितने भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे ये ब्राउजर्स होते हैं या गेम्स होते हैं, ऑफिस टूल्स होते हैं, ये किस में आते हैं, और ऑल्सो ये सब किस में आते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में दैट परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, जो कोई मतलब ये इनका अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है. इन ब्राउजर्स का, एप्लीकेशंस का अपना अपना फंक्शन होता है. इसको जिसका काम होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है. ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं OS. अब बात आ गई स्टार्टिंग ए कंप्यूटर. जब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, तो स्टार्ट ए कंप्यूटर प्रेस द पावर बटन. जब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, हम सबसे पहले क्या करते हैं, बटन जो है ऑन करते हैं, किसका, सीपीयू का बटन हम ऑन करते हैं. दिस विल स्टार्ट, उसके बाद क्या होता है, दिस विल स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. वो कहता है जब हम स्विच ऑन करते हैं उसके बाद काम किसका होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का, OS का.
एंड डिस्प्लेज द मेन स्क्रीन ऑन द कंप्यूटर। जब हम ऑन करते हैं बटन, ठीक है, पावर का बटन जो है ऑन करते हैं, उसके बाद क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्प्लेज द, उसके बाद क्या होती है, डिस्प्ले होती है स्क्रीन पे, किस पे, जो स्क्रीन होती है वो शो होती है मॉनिटर की। ये किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। स्टार्टिंग है जब हम कंप्यूटर स्टार्ट कंप्यूटर करा, इस पे वहां बटन से किस चार सीपीयू किस बटन से देवा युक्त पावर बटन चार सा पत के गसा तें पत स्टार्ट गसा ऑपरेटिंग सिस्टम सुच करा डिस्प्ले मेन स्क्रीन केमिच मॉनिटर च। ये हो गया जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। फिर बेसिक फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस क्या है परफॉर्म्ड व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट, मतलब बेसिक फंक्शंस जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं उसके बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन अ बेसिक प्रोग्राम, अच्छे पे कंप्यूटर योर वन की चलो स्टार्ट हो जाना, ये ऑटोमेटिकली जो है रन हो जाता है, ऑटोमेटिकली रन अ बेसिक प्रोग्राम। जो उसका बेसिक प्रोग्राम होता है उसको क्या करते हैं, रन करता है उस बेसिक प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो मतलब जो बेसिक प्रोग्राम रन होता है उसको बोलते हैं बायोस, BIOS, मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अ कंप्यूटर रन जैसे कंप्यूटर जो कंप्यूटर होता है अ कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली स्विच ऑन करो सच ऑटोमेटिकली रन करा पन पान स्टार्ट करा पत क्या करा सब बेसिक प्रोग्राम इस तमिक आ सच करा तत काम तत पे काम स्टार्ट तत छ वना बायोस या ऐसे हम बोलते हैं कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन अ बेसिक प्रोग्राम कॉल्ड बायोस, मतलब बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम। ये बायोस क्या है, द बायोस फर्स्ट डज अ सेल्फ टेस्ट, इस करा बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है इस करा फर्स्ट ये क्या कहता है सेल्फ टेस्ट, जो स्विच टू कंप्यूटर्स इस करा बायोस है वो सेल्फ टेस्ट करता है, इफ द सेल्फ टेस्ट शोज दैट सिस्टम इज फाइन, इस ये बायोस इस करा सेल्फ टेस्ट कि कंप्यूटर चा सिस्टम चा फाइन, अगर कंप्यूटर ठीक है उसके बाद क्या होता है द बायोस विल लोड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद जो बायोस है वो लोड करता है किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। इतना ही नहीं एक और फंक्शन है उसके बाद लॉगिन या लॉग आउट, लॉगिन एंड लॉग आउट, जैसे कि अगर आप जब आपका मॉनिटर पे डिस्प्ले शो होता है उसके बाद होता है वहाँ पे लॉगिन भी होता है लॉग आउट का ऑप्शन भी होता है। लॉगिन में आप अपनी आईडी वगैरह जो भी पासवर्ड होता है वो आप डालते हो उसके बाद आप अपना काम जो है फर्दर कर सकते हो। उसके बाद हम शटिंग डाउन, जो आपका काम अब हो गया उसके बाद है शटिंग डाउन कंप्यूटर, उसके बाद लास्ट पे आपको आप क्या करना है शट डाउन करना है किसको कंप्यूटर को, वो ऑप्शन भी वहाँ पे आता है। भाई उसके बारे में आपको फिर बताऊंगा, ए कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन ए बेसिक प्रोग्राम, इस कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली करा रन उसी में बेसिक प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम तक वन बायोस, बायोस मींस को बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस क्या करा इमेज काम किया, बायोस करा फर्स्ट डज ए सेल्फ टेस्ट, करा कंप्यूटर पाने टेस्ट, अगर इसे कंप्यूटर ठीक आश इफ द सेल्फ टेस्ट शोज, अगर इसे सेल्फ टेस्ट हो दैट इज सिस्टम आस अच्छा ठीक, उसके बाद क्या होता है जो बायोस होता है तमिच काम से करा पत लोड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम करते हैं लॉग इन या लॉग आउट करते हैं, लॉग इन करते हैं या लास्ट में हम जो अब जो भी आपका काम होता है जब आप वो कंप्लीट करके उसके बाद शटिंग डाउन है कंप्यूटर। ये चीज़ें मैंने आपको बताई, सबसे पहले मैंने आपको बताया कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर गई तुम यमन टेस्ट हेको कर वित हेको कंप्यूटर पार्ट्स तमन वन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर गई तुम यमन वित हेको तथ वन तमन वन सॉफ्टवेयर। तो उसके बाद जो मॉनिटर होता है ये भी किस में आता है, फिजिकल डिवाइस में या हम हार्डवेयर उसको बोल सकते हैं मॉनिटर, हार्डवेयर गई यमन टच हेको कर हार्डवेयर, ये स्टार्ट करा प्रोग्राम कंप्यूटर्स पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गेम खेलते हैं कभी वो डिस्प्ले होती है किस पे मॉनिटर पे, ये किसकी वजह से होता है, दिस इज डन बाय द सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ किससे होता है सॉफ्टवेयर से होता है,
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर किससे, एक यहाँ पे जो हम गेम खेलते हैं उसको ऑपरेट करना किसका काम है, सॉफ्टवेयर का काम है, या टेक्स्ट मैसेज वीडियो जो भी होते हैं जो भी हम करेंगे कंप्यूटर के साथ उसको प्रोसेसिंग करके मॉनिटर पे शो होना, ठीक है, मॉनिटर पे शो होना ये किसका काम है, हार्डवेयर का काम है। ये हो गई कुछ चीज़ें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। और जब हम स्टार्ट कंप्यूटर करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर बटन ऑन करते हैं सीपीयू का, उसके बाद क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद डिस्प्ले करता है मेन स्क्रीन पे जो मॉनिटर पे होती है, फिर उसके बाद बेसिक फंक्शंस क्या होती है, मेरे कंप्यूटर स्टार्ट होती है बेसिक कोडिंग फंक्शंस जो जिसते में ऑन बायोस इमेज पे क्या चल, लॉग इन क्या वो, लॉग आउट क्या वो, हम पॉइंट्स थोड़े याद। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।